बढ़िया लगता है, इसको बनाकर भी रख सकते हैं। ये है मिर्ची के पकोड़े, जो हरी वाली मिर्च आती है ना, बहुत मोटी वाली जो तेज नहीं होती, उसके पकोड़े। मेरी आंटी है, उनका आज बर्थडे है, तो स्पेशल मैंने उनके लिए बनाया है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो हम फटाफट चलते हैं हमारी रसोई में और बनाते हैं बहुत ही टेस्टी अमेजिंग रेसिपी मिर्ची वड़ा। मिर्ची के भजिए बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए मिर्ची के भजिए बनाने के लिए आज मैं एकदम डिफरेंट तरीके के बनाऊंगी। एक पीली वाली मिर्च होती है ना, जिसके मैं बनाना बता चुकी हूँ, और ये की हरी वाली होती है, बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, बट ये बहुत मोटी होती है और इसके बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो इसको जैसे ऐसे बीज में से मैंने चीरा लगाया, ये देखिए है ना, तो इसके ये सारे बीज जो है इसको हम निकाल लेंगे, ये देखिए इसको हम चम्मच से निकाल लेंगे, ये देखिए, क्योंकि बीजे में जो होता है ना वो चटपटाहट होती है, बीजे ही सबसे ज्यादा तेज होते हैं, तो बीजे हम निकाल लेंगे तो मिर्ची में तेज पर नहीं बचेगा। तो इस तरह से हम अपनी पूरी मिर्चियों को देखिए, ये जो ऐसे मिर्ची है हमारी, इसको हम ऐसे काटेंगे इस तरह से, ये देखिए सीधे ये हमने काटा, और इसको हाथों से या चम्मच की सहायता से हम ये बीजों को निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम बीजे निकाल के रख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। इन सबके बीजे मैंने निकाल दिए, ये देखिए सारे बीजे मेरे निकल गए हैं। अब मैं इनको थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाने वाली हूँ। तो मैंने एक चम्मच लिया है मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर, और मैं ले रही हूँ स्वाद के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक। बस इसको हम ऐसे हाथों से ही मिक्स कर लेंगे, देखिए इससे सूखा ही सूखा सा थोड़ा सा हल्का सा, बिल्कुल आधी चम्मच से भी कम पानी डालेंगे, ये देखिए बस है ना। और इसको मिर्ची में अच्छे से अंदर से लगा के ऐसे रख देंगे करीब आधे घंटे के लिए, जिससे क्या होगा इसका जितना भी तेजपन होगा वो भी खत्म हो जाएगा और इसमें नमक अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे, जब तक ये आधे घंटे हमारी मिर्ची में सेट होगा नमक और अमचूर, जब तक हम इसकी स्टफिंग बना लेंगे। तो स्टफिंग मिर्ची के लिए सबसे पहले मैं बेसन को घोल लेती हूँ। ये मैंने 150 ग्राम बेसन लिया है, इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी एक चुटकी हींग, ये डाल दी मैंने इसमें एक चुटकी हींग, और डाली मैंने सबसे बेस्ट और सबसे जरूरी चीज अजवाइन। इसको हाथों से ऐसे क्रश करके, देखिए इसको अच्छे से क्रश करके इसमें डाल देंगे तो इसका फ्लेवर काफी अच्छा आएगा। और डालूंगी मैं बारीक पिसा हुआ अदरक, जो कि मैंने पीस के रखा है, मैं पीस के रख लेती हूँ, जिससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी लाल मिर्च, और डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी डालूंगी मैं, और डालूंगी थोड़ा सा जीरा भी, और डालूंगी मैं पालक के पत्ते, बहुत अच्छे लगते हैं इसमें पालक के पत्ते। आज के पहले आपने अच्छी रेसिपी नहीं देखी होगी, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और मैं डालूंगी थोड़ा ज़्यादा सा धनिया, और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी करके घोल लेते हैं, एक साथ पानी नहीं डालेंगे हम इसमें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करेंगे, जिससे कि इसमें लम्स भी ना पड़े और ये अच्छे से घुल जाए। अब हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे करीब 10 से 15 मिनट, जब तक ये हमारा बेसन का जो बैटर है ये रेस्ट करेगा, तब तक हम अपनी स्टफिंग कर लेंगे मिर्ची की। थोड़ा सा पानी इसमें और डालेगा, मुझे ऐसा गाढ़ा लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल लेती हूँ, ये देखिए अब हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी है बनने के लिए। चलिए अब हम करते हैं अपनी मिर्ची की स्टफिंग की तैयारी, बहुत ही अमेजिंग वाली बन रही है आज, है ना। थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें ऑयल, करीब 2 चम्मच ऑयल मैंने डाल दिया इसमें, इसको ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो सबसे पहले मैं डालने वाली हूँ इसमें जीरा, 1 चम्मच जीरा डाल देती हूँ, और उसको तड़कने देते हैं हम। अब मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक पिसा हुआ, अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया सा लगता है। और डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर, और थोड़ी सी डालूंगी मैं प्याज, ये देखिए बिल्कुल बारीक चौकी हुई, देखिए दिख रही है आपको कितनी बारीक चौकी है प्याज, इसमें मैं डाल देती हूँ, क्योंकि आज हम बना रहे हैं एकदम अमेजिंग रेसिपी वाली, जो बन रही है ना हमारी मिर्ची बहुत ही टेस्टी वाली, इसका जो स्टफिंग है ये बहुत ही टेस्टी सी बनती है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्वदल कर देती हूँ करीब 3 से 4 मिनट तक, जिससे इसका प्याज का जो कच्चापन है वो पूरा निकल जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू, इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको डालना है तो, लेकिन ये अच्छा लगता है थोड़ा सा ग्रीन चिली एंड येलो कलर का स्टफिंग बहुत ही बढ़िया लगता है। और मैं डालूंगी इसमें ऐसे मैश करके आलू, अच्छे से मैश करके, ये मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं बड़े, इनको मैंने उबाल लिया था, और उबाल के जब थोड़े ठंडे हो जाते हैं ना तो ये अच्छे रहते हैं, इनको हाथ से ही मैश करके डालिएगा आप। और इसे स्टेज पे डाल दूंगी मैं इसमें स्वाद के अकॉर्डिंगली नमक, ये देखिए। अब इसमें हमें अमचूर वगैरह कुछ नहीं डालना है, ना ही हमें
लेमन जूस डालना, क्योंकि हमने मिर्ची को पहले से अमचूर लगा के रखा है ना, अमचूर और नमक। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसमें स्टफिंग में नमक डालेंगे ना, थोड़ा सा कम ही डालिएगा, है ना। ये देखिए हमारी स्टफिंग कितनी बढ़िया सी रेडी हो रही है ना, दिख रहा है वो कलर कितना बढ़िया आ रहा है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पालक के पत्ते, इसके स्वाद को और बढ़ाएगा, और जाएगा थोड़ा ज्यादा सा धनिया, इससे कलर भी अच्छा आएगा और ये टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो हमारी स्टफिंग हो गई है रेडी। गैस की फ्लेम को मैं कर देती हूँ ऑफ और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए हमारी स्टफिंग काफी ठंडी हो गई है, ये भरने लायक हो गई है। तो हम क्या करते हैं, एक गैस पे पैन को भी चढ़ा देते हैं, जिससे कि जब तक हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा जब तक कि हम स्टफिंग करेंगे। तो मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया और ऑयल इसमें मैं डाल देती हूँ, थोड़ा इसमें ऑयल ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये डूबती हुई सीखना चाहिए। देखिए ये हमने मिर्ची अपनी ली, उसमें अच्छे से दबा दबा के हम इसको भरेंगे। देखिए ये अच्छे से दबा के, ये देखिए ऐसे दबा दबा के हम इसको अच्छे से भर लेंगे। देखिए ये लिया इसको हमने अच्छे से, इसको हाथों से ऐसे किया, इसको ऐसे अच्छे से भर लेंगे। देखिए क्योंकि जब स्टफिंग अच्छी होगी तभी तो मज़ा आएगा खाने में, क्योंकि मेन मज़ा जो है वो क्या है, स्टफिंग का ही है। ये देखिए ऐसे भर भर कर हम इसको सारी को रख लेते हैं। मिर्ची हमारी अच्छे से भर गई है, स्टफिंग देखिए कितने अच्छे से भरी है ना। ये जो मैंने अमचूर और नमक की जो लेयर लगाई थी ना और इसको रख देता 15 मिनट के लिए, इसका देखना अमेजिंग स्वाद आता है, एकदम अमेजिंग। एक हमारा ये थोड़ा सा आलू का स्टफिंग बच गई है, इसका मैं बना लूंगी आलू बड़ा। अब हम देखते हैं हमारे बेसन की क्या हालचाल है। बेसन हमारा एकदम फूल गया है, ये देखिए कितना बढ़िया हो गया है, दिख रहा है आपको। मैं पालक और ये सब डाला है ना, प्याज वगैरह, तो बहुत ही बढ़िया सा बेसन हमारा रेडी हो गया। मैं ऑयल को देखती हूँ हमारा गर्म हुआ कि नहीं, ऑयल हमारा गर्म अभी अच्छे से नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा गर्म इसको मैं और कर लेती हूँ। ये देखिए मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, तो उसको मैं एक ड्रॉप डाल के देखती हूँ बैटर को, अगर ये ऊपर आ गया तो इसका मतलब ये अच्छे से हो गया। अब हम देखिए क्या करेंगे, एक मिर्च लेंगे ऐसे पूरा और उसको अच्छे से बेसन को कोट करेंगे। देखिए चारों तरफ से अच्छे से कोट कर लेंगे, उसके डंठल को पकड़कर हम ऐसे डालेंगे इसको, इसी तरह से हम सारे को डालेंगे। देखिए मैं एक और डाल के दिखाती हूँ आपको अच्छे से, जिससे कि हमारी स्टफिंग की निकलेगी और इसमें बेसन अच्छे से कवर हो जाएगा। ये देखिए इसको ऐसे डाल देंगे डंठल पकड़ के, जिसका डंठल है ना इसको हम पकड़ेंगे और बाकी हम सारे को अच्छे से कोट कर लेंगे। देखिए ये देखिए इसको हम पलट देते हैं, ये हमारे सिकने लगे हैं। देखिए गोल्डन बिल्कुल एकदम, वो कितने अच्छे दिख रहे हैं ना एकदम, क्योंकि बेसन की जो कोटिंग हुई है वो काफी अच्छे से हुई है। देखिए जब हमने इसको डाला था, जब हमने तेज आंच पे डाला था, अब हम इसको थोड़ा सा सिम पे कर सकते हैं। देखिए बस ये अब हम इसको सिम पे एकदम गोल्डन ब्राउन सेक लेंगे। ये देखिए हमारे जितने सिक गए हैं इसको हम निकाल लेते हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो भी अच्छे से निकल जाए। ये देखिए दिख रही है आपको बेसन की कोटिंग कितनी बढ़िया आई है और कितने यम्मी दिख रहे हैं। आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा ना, तो आप भी फटाफट बनाइए, टी टाइम स्नैक का आनंद लीजिए, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही इजी होती है। हमारे पास आलू भी घर में होते हैं और थोड़ी सी मोटी मिर्च तो होती ही होती है, और मिर्च की भजिया खाने का तो सभी को बहुत ज्यादा शौक होता है। ये देखिए इसी तरह हम अपने सारे सेक लेते हैं, तो तैयार है हमारे बहुत ही यम्मी अमेजिंग रेसिपी। ये देखिए कितने टेस्टी मिर्ची के पकौड़े दिख रहे हैं आपको, कितनी इजी और कितनी अच्छी रेसिपी है। मेरी रेसिपी एकदम डिफरेंट है, मेरी मम्मी ने मुझे इसी तरीके से खाए, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो इसको गन पाउडर को हम इसके ऊपर से छिड़क देंगे, ये बहुत ही बढ़िया लगता है। गन पाउडर की रेसिपी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। और ये इमली की चटनी और ये हरी सैंडविच चटनी, और एक जो बच गया था उसका मैंने बनाया, देखिए आलू बड़ा, ये देखिए कितना टेस्टी और कितना यम्मी बना है। मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ, ये देखिए वाह, ये देखिए कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी दिख रही है आपको। तो आप भी इस मिर्ची को बनाइए, खाइए और खिलाइए। कल हम फिर मिलेंगे एक बहुत ही बढ़िया सी नई सी रेसिपी के साथ, लेकिन इससे पहले आप मेरे YouTube चैनल हेमा की रसोई को लाइक एंड कमेंट करना ना भूले कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और मुझे Instagram पर भी फॉलो करें। कल हम फिर मिलेंगे, बाय।